हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड गर्मी आ गई है, तो गर्मियों में हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि स्किन पे बहुत ज़्यादा सन टैन आ जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क पड़ जाती है गर्मियों में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेस पैक, मैं बोल नहीं रही, ट्रीटमेंट बोल रही हूँ जो कि आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। मतलब कहीं कहीं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ चुकी है, स्पेशली हमारा जो फोरहेड यानी कि माथा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, तो वो वहाँ से सन टैन को हटाएगा, अनइवन स्किन टोन को हटाएगा, चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। और अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं या झुर्रियाँ हैं, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो नहीं करती या आपकी स्किन समय के साथ साथ डल पड़ चुकी है, स्किन पे बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो आपकी स्किन को इतना चमकदार बनाएगा ना कि सब आपसे पूछेंगे कि आप क्या लगा रहे हो, आप मुझे बताओ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाया है या फेशियल करवाया है। पर ये आपको देगा पार्लर के फेशियल और ब्लीच से भी ज़्यादा ट्रीटमेंट, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग चेहरा आपको देगा। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे दही। हम सभी को पता है कि दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारे चेहरे को ब्राइटन, वाइटन एंड स्पॉटलेस बनाता है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा आप घर पे भी पीस सकते हैं या मार्केट का भी ले सकते हैं। हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसूर दाल पाउडर। जी हाँ, लाल मसूर दाल पाउडर। ये हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करता है, चेहरे से जितने भी दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं और सन टैन की प्रॉब्लम है उसे भी दूर करता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मसूर दाल पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेंड हनी यानी कि शहद। शहद भी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, स्पॉटलेस बनाता है और चेहरे के जितनी भी झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं उसे दूर करता है, चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लॉसी बनाता है। यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून शहद। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच लिक्वराइज पाउडर यानी कि मुलाठी पाउडर। फ्रेंड मुलाठी पाउडर ना गुणों का खजाना है, ये हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन तो करता ही है पर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग यानी कि चमकदार भी बनाता है। अगर आपके पास मुलाठी पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन या मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैं गुलाब जल डालूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी भी गाढ़ा लग रहा है, तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इस तरीके का एक गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए मैं इसे अपने फेस पे आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये मैं मॉर्निंग का टाइम है तो मैं इसे बस उठी थी तो मैंने सोचा ये मैं लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले इसी से ही अपने हम फेस की स्क्रबिंग करेंगे। तो फ्रेंड स्क्रबिंग से क्या होता है, हमारी फेस पर जितनी भी डेड स्किन है, गंदगी है, वो दूर होती है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम दूर होती है, स्किन की काली परत उतरती है। आप इसे एक बार लगाएंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरी स्किन की जितनी भी डेड स्किन थी, कालापन था, वो हटा है, रिमूव हुआ है, स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार हुई है। एक ही बारी में आप इसका फ़र्क देख सकते हैं। तो हमें स्क्रब कितनी देर करना है, हमें स्क्रब करना है 1 से 2 मिनट तक। तो इसे अच्छे से आप इसे स्क्रब करें। मैं लगभग 2 मिनट तक इसे अच्छे से अपने फेस पर स्क्रब करूँगी। चलिए फ्रेंड मैंने स्क्रब कर लिया है, अब इसे हम वॉश नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी अपना ये फेस पैक। तो हमें कैसे लगाना है, हमको लगाना है मोटा मोटा अपने चेहरे के ऊपर इसे लगाना है इस तरीके से जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप इस प्रोसेस को हफ्ते में 2 से 3 बार करें, आप पार्लर और ब्लीच भूल जाएंगे। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं इसे खुद लगा रही हूँ और मुझे इसका ना 1 से 2 बार में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि मसूर दाल, लिक्वराइज पाउडर और चावल का आटा ना अपने आप में ही एक स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि महंगे से महंगे जो क्रीम्स हैं, लोशंस वगैरह आते हैं, फेस पैक आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो ये सब रेमेडीज़, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हम घर पे ही हमारे होते हैं और घर पे ही हम इतना बढ़िया सा पैक बना सकते हैं। आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आप मेरी उम्र के हैं, कोई भी हैं, आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने ये सूख गया था, मैं इसे अच्छे से पोंछ दूँगी किसी कॉटन के कपड़े से, वाइप से, या आप सीधा पानी से भी इसे वॉश कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मैंने इसे अच्छे से रिमूव कर दिया है और इसके बाद ऐसे नहीं छोड़ना, इसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है क्रीम, लोशन, या मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है पानी से, क्योंकि क्या होता है ना कहीं कहीं ये थोड़ा सा रह जाता है अच्छे से पोंछने से या साफ़ नहीं होता, तो मैंने पानी से अच्छे से ये वॉश कर दिया है।
तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं एक ही बारी में स्किन बहुत ज़्यादा जो है ग्लोइंग हुई है और आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। अब इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपके साथ अभी कुछ दिनों पहले एक स्किन वाइटनिंग क्रीम, नाइट क्रीम शेयर की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मैं ये वही लगा रही हूँ। अगर आप जो भी यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नाइट क्रीम, जो भी आपको सूट करती हो वो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल मैं यही लगा रही हूँ। सो आई होप मेरी आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी, इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं और खुद आप देखेंगे आप अपनी स्किन पे एक अच्छा ग्लो देखेंगे कि आपकी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं ना, मतलब कहीं कहीं यहाँ स्पेशली हमारे जो होठों के आसपास स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, हमारा फोरहेड बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और हमारे जो इस साइड है ना बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, मतलब स्किन ना इवन टोन नहीं लगती, सन टैन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हर स्किन टाइप को सूट करेगा। और हाँ, आप इसे अपने हाथों पैरों पर कहीं भी इसे लगा सकते हैं। सो आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैं जस्ट ये नहा के आई थी तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। टिल देन फ्रेंड बाय बाय एंड स्टे हेल्दी फ्रेंड, स्टे ब्यूटीफुल, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल, बाय बाय।